ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਦੇ ਟੌਕ ਖੁਦਾ ਮਨੀ ਅਮਕ ਟਾਈਮ ਲਗਿਰਾ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਬਾਦੇ ਹਾਲ ਵਾਲ ਦਾ ਸੁਨਾ ਪਰਸਤਾਨ ਹੈ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਰ ਆਈ ਐਮ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੇਅਰ ਬਟ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ ਦੈਟ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਸਪੀਕ ਇਨ ਐਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਟ ਇਨ ਉਰਦੂ ਇਫ ਪੋਸੀਬਲ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਰ ਐਨੀਵਨ ਐਲਸ ਹੂ ਕੈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਯੂਅਰ ਸਪੀਕ ਉਰਦੂ ਪੇ ਆਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ आए और दोस्तों ने काफ़ी बातें की और मैं इतना टाइम नहीं लेना चाहता हूँ आप लोगों का मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने जो बलूचिस्तान के आवाम के लिए एक बयान दिया अपनी भेंट में अपने नेशनल डे पे उसके बाद बलूचिस्तान में पहले ऑपरेशन पहले ही चल रहा था लेकिन उसके बाद और उस पर शिद्दत लाई गई मैं सिर्फ आप लोगों को एक डिस्ट्रिक्ट का बताता हूँ बाकी आप देखें बलूचिस्तान में क्या हाल होगा बाकी डिस्ट्रिक्टों का एक डिस्ट्रिक्ट देहरादून में इस वक्त पाकिस्तान की फौज ने जब से मोदी साहब ने बयान दिया है बलोचों के हक में 50 आदमी शहीद किए हैं 50 बलोच सिविलियंस और तकरीबन 150 से ज़्यादा अगवा किए हैं जिनका अभी तक कुछ पता नहीं है कि वो जिंदा है या मर गए हैं या मार दिया गया है उनको तो हम मोदी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्होंने खाली एक बयान दिया है और इस मुद्दे को अभी आगे ले जाए और हम सब उनको वेलकम करते हैं बलोच कौम उनको वेलकम करती है उनके इस कदम को और हम उनसे बहुत उम्मीद रखते हैं कि इस मुद्दे को वो बलूचिस्तान के मुद्दे को इंटरनेशनली अक्वा मुत्तहदा में ले जाएंगे और हम इस पुल पे जो हमारा मुल्क है अभी इस मुल्क के वज़ीर आज़म और यूरोपियन यूनियन और जितने भी इंसानी हकूक के अलमबरदार हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी बलोच मज़लूम बलोच कौम के लिए अपनी आवाज़ उठाएं और आखिर में मैं आप लोगों सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए हैं बहुत मेहरबानी आप लोगों को